हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 124 में कहता है हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर आर देयर ऑफ द डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। बच्चों साइक्लोपेंटेन, डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन मतलब इसमें मिथाइल के पोजीशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। आपको बस ये सोचना है कि डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन कितने बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों ये डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन है, बच्चों ये भी डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन है, और बच्चों ये भी डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन है। डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन नाम का स्ट्रक्चर यही सब बन सकता है ना। और ये तीनों एक दूसरे के क्या है बच्चों, स्ट्रक्चर आइसोमर है। तो कायदे से इसका आंसर 3 होगा, लेकिन इसका आंसर 3 नहीं दे रखा है, इसका आंसर बच्चों 5 दे रखा है, ठीक है ना। अब इसका 5 आंसर तब हो सकता है जब हम इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करें। और बच्चों जैसे ही हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के स्ट्रक्चर को के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करेंगे तो बच्चों फिर ये क्वेश्चन इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में चला जाएगा। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, जब भी रिंग में 2sp3 कार्बन होता है बच्चों तो इसके 2 GI होते हैं, एक सिस वाला होता है और एक ट्रांस वाला होता है। होता है ना बच्चों, सिस ट्रांस कैसे बनाते हो, एक बार दोनों को वेज पर रख देंगे तो ये सिस, और एक बार बच्चों वेज और डैश कर देंगे है ना, तो ये ट्रांस बन जाएगा। तो इससे 2 GI बनेगा सिस ट्रांस, इससे भी 2 GI बनेगा बच्चों सिस ट्रांस, आ रहा है समझ में। और फिर एक इससे ये बनेगा, तो ये सब के सब डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन के स्ट्रक्चर है। लेकिन सही मायने में इसके स्ट्रक्चर मतलब इसका जो आंसर है 3 होना चाहिए, क्योंकि जब सिस ट्रांस को हम इंक्लूड कर रहे हैं बच्चों तो कहीं ना कहीं हम इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है ना। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को इंक्लूड करने का मतलब है कि फिर से कायरल सेंटर के भी तो कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, क्योंकि जब हम इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर पर ही जा रहे हैं तो फिर बहुत तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर स्ट्रक्चर आइसोमर लिखा है तो इसलिए सिस ट्रांस को इंक्लूड करना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो क्या किया जाए, तो इसका आंसर बच्चों 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। 3 हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, इस बुक के अकॉर्डिंग 5 दे रखा है, ठीक है ना। 5 इसने इसलिए मान रखा है क्योंकि इसने सिस ट्रांस को भी शामिल किया है इसमें, ठीक है ना। सेम बात है बच्चों क्वेश्चन नंबर 125 में, कहता हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर, स्ट्रक्चर आइसोमर आर देयर ऑफ डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। फिर से बच्चों यहाँ पर मिथाइल के पोजीशन के बारे में नहीं बोला है, तो हमें अपने मन से स्ट्रक्चर पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने हैं। डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन एक तो ये बनेगा, दूसरा बच्चों डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन ये बनेगा। तो कायदे से इसका आंसर 2 होना चाहिए, क्योंकि यही दोनों स्ट्रक्चर आइसोमर होगा। बट इसमें 2sp3 कार्बन है तो इसलिए इसमें भी एक सिस होगा बच्चों और एक ट्रांस होगा। और सिस और ट्रांस को जब आप कंसिडर करोगे, ठीक है ना, सिस और ट्रांस को जब आप कंसीडर करोगे तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से फिर आपका आंसर मिल जाएगा, समझ गए बात को। बट स्ट्रक्चर आइसोमर की बात की जाए तो 2 स्ट्रक्चर यही दोनों बनेंगे बच्चों, ठीक है ना। 126 हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर आर देयर ऑफ डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। फिर से वही बात, डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में मिथाइल का पोजिशन नहीं बताया है, मतलब आपको पॉसिबल स्ट्रक्चर डाई मिथाइल के बारे में सोचना है। एक तो ये बनेगा, फिर बच्चों एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा, ठीक है ना बच्चों। तो वैसे तो 4 ही स्ट्रक्चर बनेंगे तो 4 इसका आंसर होना चाहिए, बट इसका आंसर 7 दे रखा है। कारण वही है, यहाँ पर भी सिस ट्रांस, यहाँ पर भी सिस ट्रांस। जब भी रिंग में 2sp3 कार्बन ऐसा प्रेजेंट होगा जिस पर ग्रुप डिफरेंट होंगे तो वहाँ पर सिस ट्रांस स्ट्रक्चर बनता है बच्चों। तो सिस ट्रांस को कंसिडर करेंगे तो 2 3 6 और
और एक साथ स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने जितने भी क्वेश्चन है सभी में आंसर इन्होंने सिस ट्रांस को कंसिडर करते हुए बनाया है, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 127, हाउ मेनी आइसोमेरिक डाइब्रोमो बेंजीन। अब यहाँ पर भी बच्चों बेंजीन है और ब्रोमीन के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, कहाँ पर लगाना है, केवल सोचना है कि डाइब्रोमो बेंजीन कैसे कैसे बन सकता है। तो डाइब्रोमो बेंजीन बच्चों एक तो 1-2 पोजिशन से बन सकता है, एक बच्चों 1-3 पोजिशन से बन सकता है, और एक बच्चों 1-4 पोजिशन से बन सकता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर यही तीन बनेंगे तो आंसर आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 128, विच फंक्शनल ग्रुप कैन बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड। मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है बच्चों, सबसे पहले मोलिकुलर फॉर्मूला का डी यू निकाल लीजिए। डी यू निकालोगे तो जीरो आएगा बच्चों, तो डी यू जीरो है और एक ऑक्सीजन है ना बच्चों। डी यू जीरो है मतलब कोई पाई बॉन्ड नहीं आएगा, कोई रिंग नहीं आएगा। तो हमें सोचना है कि ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका डी यू जीरो होता है। तो बच्चों वो एल्डिहाइड नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो इसका इसमें एक पाई बॉन्ड है तो डी वन है। कीटोन भी नहीं हो सकता, इसमें भी बच्चों सी डबल बॉन्ड हो के कारण पाई बॉन्ड का। एसिड भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी एक पाई बॉन्ड होता है बच्चों। एल्कोहल हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर डी ही होगा। अरे समझ में, मोलिकुलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, डी यू निकालते हैं, ऑक्सीजन है बच्चों तो डी यू जीरो है, तो डी यू जीरो और एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन वाला कितना फंक्शनल ग्रुप होता है, चार होता है, एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल और ईथर, ठीक है ना बच्चों। लेकिन एल्डिहाइड कीटोन का डी यू वन होता है, एल्कोहल ईथर का जीरो होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में केवल एल्कोहल, देखो एसिड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ओ टू नहीं लिख रखा है, ऑक्सीजन है, तो ये तो वहाँ खत्म है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 129 में बात करते हैं, कहता है विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। मोलिकुलर फॉर्मूला ये है, जब बच्चों आप इसका डी यू निकालोगे तो डी यू वन आएगा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन वन हो और ऑक्सीजन की संख्या एक हो, तो डी यू वन और ऑक्सीजन की संख्या एक, ऐसा कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है और अनसेचुरेटेड एल्कोहल। अनसेचुरेटेड एल्कोहल का मतलब कि एक पाई बॉन्ड भी आए, ठीक है ना बच्चों, इस तरह का देखिए बनेगा ऐसा, है ना, यहाँ पर सी एच टू, यहाँ पर सी एच, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें सी डबल बॉन्ड सी के कारण अनसेचुरेशन भी आ गया और अल्कोहल भी है और डी भी बराबर है, फॉर्मूला भी बराबर है ना, तो ये तीनों इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों डी होगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो 124 से लेकर 126 है इसके मैंने आंसर तो ज़रूर मिला दिए, लेकिन बट मेरे अकॉर्डिंग जो है इस क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है या फिर ऑप्शन में सुधार की ज़रूरत है, ठीक है ना। मैंने आपको दोनों बात बता दिया है, नॉलेज के लिए सारा चीज़ डिस्कस कर दिया है, बट मेरे अकॉर्डिंग जो है दिए गए क्वेश्चन का लैंग्वेज प्रॉपर वे में नहीं है अकॉर्डिंग टू आंसर, या फिर दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो प्रॉपर वे में नहीं है, ठीक है ना। ओके बच्चों।